फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गुड फूड चैनल। आज हम पानी पूरी बनाएंगे। इसे गोलगप्पे भी कहा जाता है, कहीं फुचके बोला जाता है, कहीं पतासी बोला जाता है, कहीं गुपचुप बोला जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो आज हम गोलगप्पा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने हाफ कप आटा लिए हैं। आटा का हम गोलगप्पा बनाएंगे। सूजी का भी बनाया जाता है। और ये 2 टेबल स्पून सूजी है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। और पानी की मदद से इसे हम डो तैयार करेंगे गोलगप्पा का। और पानी बनाने के लिए हम धनिया पत्ता लिए हैं, आधा कप पुदीना पत्ता है और 1/2 इंच का अदरक है और 2 हरा मिर्च इसके साथ पीसेंगे। और उसके पानी मिलाने के लिए हम थोड़ा 1 चम्मच यहाँ पर जलजीरा पाउडर मिलाएंगे और भुना जीरा पाउडर है, सादा नमक, काला नमक और ये लाल मिर्च पाउडर है और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 पिंच हींग यूज करेंगे। और उसका मसाला बनाने के लिए गोलगप्पा में भरने के लिए 5 मीडियम साइज़ का आलू बॉईल कर लिए हैं और ये मीडियम साइज़ का ये प्याज है जिसे हम बारीक काट लिए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम 1/2 कप हम आटा लिए हैं, 2 टेबल स्पून सूजी है उसे भी ले लेंगे और 1/4 बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। 1/2 कप पानी लिए हैं और इसे हम सख्त आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। आटा गूंथ लिए हैं और सख्त आटा गूंथे हैं और हमने 1/2 कप पानी लिया था तो 1/4 पानी बचा हुआ है। इसे हम अब एक गीला कपड़ा से इसे ढक देंगे और इसे हम 20 मिनट रेस्ट करने देंगे। फिर उसके बाद फिर मस लेंगे इसे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और गोलगप्पा का हम पानी बनाएंगे। इसके लिए हम एक जार लेंगे, चटनी वाला जार लिए हैं, उसमें धनिया पत्ता, पुदीना का पत्ता और अदरक डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हींग थोड़ा सा डालेंगे, 1 पिंच। 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीस चुका है। अब हम 1 चम्मच आलू का जो हम मसाला बनाएंगे उसमें हम मिला लेंगे। उसके लिए हम रख लेंगे और इसमें मिला देंगे। हम 1 लीटर पानी लिए हैं और ये इमली का 2 चम्मच पल्प लिए थे, उसे हम इमली को धो के गर्म पानी में उसे डाल दिए थे और उसका पल्प जब तैयार हो गया तो उसे हम मसल कर उसे छान लिए हैं, इमली का पल्प को, और पानी मिला के रख लिए हैं थोड़ा सा। तो इससे भी हम इस चटनी में मिला देंगे। एक काली मिर्च है, अब काली मिर्च डालें तो इसमें हमने 2 हरी मिर्च पीसे थे तो हम बहुत थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, जैसा तीखा पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद हो तो नहीं डालें। और इसमें भुना जीरा पाउडर मिलाएंगे 1/2 टीस्पून और इसमें काला नमक मिलाएंगे 1/2 टीस्पून
सादा नमक हाफ टी स्पून, यदि कम हो तो बाद में भी मिला सकते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। जलजीरा पाउडर मसाला है, उसे हम एक चम्मच मिलाएंगे। जलजीरा पाउडर नहीं हो तो इसकी जगह पर आप चाट मसाला भी मिला सकते हैं। इससे टेस्ट अच्छा आता है। मिक्स कर देंगे और इसमें पानी मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें बूंदी भी मिला सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर बूंदी नहीं मिला रहे हैं, आप इसे टेस्ट कर लें। नमक उसके अनुसार मिलाएं, क्योंकि जलजीरा में भी नमक होता है। थोड़ा सा नमक और मिलाएंगे, थोड़ा कम है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सादा नमक, दोनों को मिला दिए। इसे मिक्स कर देंगे। पानी तैयार हो गया है, अब इसे हम साइड में कर देते हैं। अब ये आलू मसाला तैयार करेंगे। इसमें हमने धनिया पुदीना पेस्ट बनाया थे उसे हम मिला लिए हैं एक चम्मच, और इसे हम मैश कर लेंगे। हल्का सा गुठली रहेगा। आलू मैश कर लिए हैं और इसमें हम ये चना जो हम नमक के साथ बॉईल किए हैं, एक सीटी लगाए हैं सिर्फ, इसे मिला देंगे। धनिया पत्ता मिला देंगे। और इसमें थोड़ा सा प्याज जो बारीक काटे हैं उसे मिला देंगे। इसमें भुना जीरा पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा सा हाफ टी स्पून से भी कम। नमक, काला नमक, सादा नमक, ये पानी पूरी मसाला है उसे हम हाफ टी स्पून डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, इसे मिक्स कर लेंगे। ये मेरा मसाला तैयार हो गया है आलू वाला, तो इसे अब इसमें हम साइड में रख लेते हैं। अब हम ये आटा जो हम ढक कर इसे रख दिए थे, इसे हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगा कर मस लेंगे। इसे 5-10 मिनट खूब अच्छा से इसे खूब मसल मसल कर इसे चिकना करेंगे। 10 मिनट हो चुका है, इसे मसलते हुए खूब मसले हैं और ये चिकना हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है हल्का, और बिल्कुल चिकना हो गया है। अब इसका हम छोटा सा 3 भाग में इसको करते हैं। अब इसे हम ढक के रखेंगे ताकि सूखे नहीं, सुखा लेंगे। तो लगाएंगे, हम पतला बेल लिए हैं, एक छोटा ढक्कन लिए हैं और इसकी मदद से इसे हम काट लेंगे। इसे काट लिए हैं, इसे हम रख लेंगे।
लेंगे। इसे एक पर एक करके नहीं रखें, अलग अलग रखें, तो सटने का डर रहता है। इतने सारे बेल लिए हैं और इसे ढक के रखे हैं, इसे खुला नहीं छोड़े, नहीं तो सूख जाएगा, तो नहीं खुलेगा। अब इसे हम तलेंगे। तलने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल और रिफाइंड ऑयल गैस पर बैठा दी हूँ, गर्म हो जाएगा तो इसे हम तलना शुरू करेंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम फुचका को तलेंगे। सारे गोलगप्पे फूल चुके हैं, कोई कोई गोलगप्पा नहीं फूलता है, इसके लिए घबराए नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए अब इसमें हम सर्व करेंगे। गोलगप्पा बनकर तैयार है। ये आटे का गोलगप्पा है, जबकि आटे का गोलगप्पा थोड़ा हल्का और क्रिस्पी होता है। सूजी के गोलगप्पा भारी और मोटा होता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो है। लेकिन आप इसे ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट द्वारा बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।